नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों आज हमारे रिछोला में है चेहल्लम, यानी कि चेहल्लम में हमारा गांव पूरा दुल्हन की तरह सजाया जाता है और हम आपको दिखाएंगे ताजिया। जी हाँ, ताजिया, और पांच हैं काट के तखत जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसे ताजिया बोलते हैं। और रिछोला के अंदर बहुत ही ज़्यादा रौनक है, और मैं सोच रहा था कि इंट्रो कहाँ दूँ, तो इंट्रो में क्योंकि ज़्यादा भीड़ है, ट्रैफिक भी बहुत है, हाईवे पर हमारे ये गांव पड़ता है और भीड़ बहुत ही ज़्यादा गलियों में चल रही है, तो हमारे कंटिन्यू इसी ब्लॉग में रहना। समथिंग 10 मिनट का ये ब्लॉग होगा। है कि ये ढोल है, हम आपको वो भी दिखाएंगे, ढोल बजाया जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त काट के तखत के पास में, तो चलते हैं। मेरा ख्वाजा, शुरू होने वाला है कुछ इस टाइम के बाद। अभी आपने इंतजार सुनी, कृपा ख्वाजा मोहनुद्दीन की, सुभान अल्लाह। और अब दीवाना क्या कह रहा है अपने ख्वाजा की, सजाया। तो फाइनली दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं काट का तखत, जो कि हमारी इधर चौड़ी वाली गली में काट का तखत बनता है, काफी बड़ा बनता है, तो हम आपको उसको दिखाने वाले हैं। और फिर उसके बाद पूरा एंजॉय लेना, फिर और भी बहुत कुछ दिखाएंगे आपको। ब्लॉग तो लंबा बन जाएगा, तो बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में, और आपको तख्त दिखाता हूँ यानी काट का। हमने अभी आपको काट का तखत दिखाया था, और आपको मजीद रिछोला घुमाते हैं आगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, बने रहना कंटिन्यू इसी ब्लॉग में। और पब्लिक तो इस वक्त कम है, रोड पर ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे काफ़ी लाइटिंग है। तकरीबन पांच काट के तखत है हमारे पूरे रिछोला में, तो आज मैं रिछोला ही घूम रहा हूँ, पूरा रिछोला। काफ़ी लंबा ब्लॉग होगा ये, तो चलते हैं आगे। वाली गली में आ गए, काफ़ी छोटी गली है ये और बहुत ही खूबसूरत सजी हुई है। देख सकते हैं यहाँ भी एक काट का तख्त है, ताज़ी है जिसको बोलते हैं। लाइटिंग बहुत अच्छी है यहाँ पर भी, हर गली में लाइटिंग बहुत अच्छी है। हमारे गांव का काट का तख्त बहुत ही खूबसूरत, सोने चांदी की मेहराबें लगी हुई हैं इस काट के तख्त के अंदर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा है, 10 फिट का ताज़िया जिसको हम बोलते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की शान में बनाते हैं। ये देखें आप ताज़िया पूरा। अभी हमने आपको दिखाया था, ये दूसरा काट का तखत था जो अभी हमने आपको दिखाया है, बहुत ही खूबसूरत है, चांदी का, और सब मेहराबें चांदी की हैं। और भी काट का तखत है, यानी लकड़ी से पूरा बनाया है, इसी साल में तैयार कर रखा है इस काट तखत को। तो और मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सारी लोकेशन मज़ार की दिखाऊंगा, मज़ार बहुत अच्छी सजी हुई है, और मज़ार के सारे पीछे, तो हमारी इसी ब्लॉग में रहना, ब्लॉग लंबा हो सकता है। तो अभी मैंने आपको काट के तखत तीन दिखाए थे, तकरीबन हमारे यहाँ पर चेहल्लम जो है वो 3 साल से नहीं हुए हैं, अब वो चेहल्लम हुए हैं, तो हम आपको दिखाने वाले हैं जो हमारे गांव के अंदर 5 काट के तखत हो चुके हैं, यानी ताज़िया जिसको हम बोलते हैं, तो मैं आपको वही दिखाऊंगा
मैं आपको दो तो दिखा चुका हूँ, पर दो तीन बाकी हैं। दो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और एक अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ जिस गली में हूँ। आपको बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है रिछोला के अंदर और बहुत सारे मेहमान लोगों के घर में आ हुए हैं। तो फिलहाल चलते हैं और देखते हैं। वीडियो हमारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम आपको दिन का पार्ट दिखाएंगे, पार्ट नंबर 2 रिछोला का दिन का व्यू दिखाएंगे, बहुत ही शानदार। तो अब चलते हैं, जय हिंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। इसलिए